शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं। उसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे हाँ से हुक्म होकर बेशक हम ही पैगंबर को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वो तो सुनने वाला जानने वाला है। आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिलाता है और वही मारता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का परवरदिगार है। लेकिन ये लोग शक में खेल रहे हैं। तो उस दिन का इंतजार करो कि आसमान से सरीह धुआं निकलेगा जो लोगों पर छा जाएगा, ये दर्द देने वाला अजाब है। ऐ परवरदिगार, हमसे इस अजाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। उस वक्त उनको नसीहत कहाँ मुफीद होगी जबकि उनके पास पैगंबर आ चुके जो खोल खोल कर बयान कर देते थे। फिर उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे, ये तो पढ़ाया हुआ और दीवाना है। हम तो थोड़े दिनों अजाब टाल देते हैं, मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो। जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। और उनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कद्र पैगंबर आए जिन्होंने ये कहा कि खुदा के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ। और खुदा के सामने सरकशी न करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ। और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं। खुदा ने फरमाया कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ और फिरौनी जरूर तुम्हारा ताक़ुब करेंगे, और दरिया से कि खुश्क हो रहा होगा पार हो जाओ, तुम्हारे बाद उनका तमाम लश्कर डुबो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और खेतियां और नफीस मकान और आराम की चीजें जिनमें ऐश किया करते थे। इसी तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उनका मालिक बना दिया। फिर उन पर ना तो आसमान और जमीन को रोना आया और ना उनको मोहलत ही दी गई। और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से नजात दी यानी फिरौन से, बेशक वो सरकश और हद से निकला हुआ था। और हमने बनी इसराइल को अहले आलम से दानिस्ता मुंतखब किया था और उनको ऐसी निशानियां दी थीं जिनमें सरीह आजमाइश थी। ये लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पहली दफा यानी एक बार मरना है और फिर उठना नहीं। बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ, भला ये अच्छे हैं या तुब्बा की कौम? और वो लोग जो तुमसे पहले हो चुके हैं, हमने उन सबको हलाक कर दिया, बेशक वो गुनाहगार थे। और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनमें है उनको खेलते हुए नहीं बनाया। उनको हमने तदबीर से पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन उन सब के उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और ना उनको मदद मिलेगी, मगर जिस पर खुदा मेहरबानी करे वो तो गालिब और मेहरबान है। बिलाशुबा थोहर का दरख्त गुनाहगार का खाना है, जैसे पिघला हुआ तांबा पेटों में इस तरह खोलेगा जिस तरह गर्म पानी खोलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोजख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खोलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार है। ये वही दोजख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। बेशक परहेजगार लोग अमन के मकाम में होंगे यानी बागों और चश्मों में, हरीर का बारीक और दबीज लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। वहाँ इस तरह का हाल होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली सफेद रंग की औरतों से उनके जोड़े लगाएंगे। वहाँ खातिर जमा से हर किस्म के मेवे मंगाएंगे और खाएंगे, और पहली दफा के मरने के सिवा कि मर चुके थे मौत का मजा नहीं चखेंगे, और खुदा उनको दोजख के अजाब से बचा लेगा। ये तुम्हारे परवरदिगार का फजल है, यही तो बड़ी कामयाबी है। हमने